श्रीमद्वाल्मीकिरामायणं युद्धकाण्डम् शततमः सर्गः एतत् श्रुत्वा शुभं वाक्यं पितामहम् असमीरितम् अङ्केनादाय वैदेहीम् उत्पपातविभावसुः विधूया तचितां तां तु वैदेहिं हव्यवाहन उत्तस्तौ मूर्तिमानाशु गृहीत्वा जनकात्मजां तरुणादित्यसङ्काशां तप्तकाञ्चनभूषणां रक्ताम्बरधराम्बालामूर्धजाम् अक्लिष्टमाल्याभरणां तथा रूपमनिन्दितां ददौ रामाय वै कृत्वा विभावसुः अब्रवीतु तदा रामं साक्षी लोकस्य पावकं एषा ते राम वैदेही पापमस्यां न विद्यते नैव वाचा न मनसा नैव बुद्ध्या चक्षुषा सुवृत्ता वृत्तौ शौदिय शौडैर्यं नत्वा मत्त्य चर छुभा रावणे नामपनि अपनीते अपनी तैशो तैषा वीर्य वीर्योत्सिक्तेन रक्षसा त्वया विरहिता दीना विवशा निर्जने सती रुद्धा चान्तः पुरे गुप्ता त्वच्चित्ता त्वत्परायणा रक्षिता राक्षसी विश्च घोराभिर्घोरबुद्धिभिः प्रलोभ्यमाना विविधं तर्ज्यमाना च मैथिली न चिन्तयत तद्राक्षसत्

प्रतिगृणीश्व मैथिली न किंचितिदि धातव्या अहमाज्ञापया ते तत प्रीतमना शुत्वर दध्यो मुहूर्त धर्मात्मा हर्ष व्याकुलोचन एव मुक्त मेजा धृतिमा उर्वि उवाच त्रिदश ठिदश्रेष्ठ रामो धर्म भूतांबर अवश्यम चापी लोकेशु सीतानमर् दीर्घकाशिता हिम रावण शुभ बालिशो बत काम आत्मा दशरथात्मज वक्ष्यति लोको जानकी मविशोद्यच अविशोध्य ही अन अनन्दया सीता मच्छिपरीरक्षिणी अहम अप्यवचा अवगच्छा मैथि जनकात्मज इमामपि विशालाक्षीं रक्षितां स्वेन तेजसा रावणो नातिवर्तेन वेला वेलामिव महोदधिः प्रत्ययातं तु लोकानां त्रयाणां सत्यसंश्रय उपेक्षे चापि वैदेहीं देहीं प्रविशन्ती हुताशनं न च शक्तस् सुदुष्टात्मा मनसापि हि मैथिलीं प्रदर्शयितुम् अप्राप्तम् अप्राप्यां दीप्तामग्निशिखामिव नेयमर्हति वै वैक्ले वैक्लव्यं रावणान्तःपुरे सति अनन्या हि सीता भास्करस्य प्रभायता विशुद्धा त्रिपुलो त्रिपुलोकेषु अ uh, मैथिली जनकात्मजा नवीहा तुम्मया शक्या कीर्तिरात्मवतायता अवश्यम च मया कार्यम सर्वेषां वोवचोहितं स्निग्धानां लोकनातानामेवम चवदताम हितं विजयी महाबल प्रशस्मन स्वृतेन कर्मण समेत राम प्रिय महायशा सुखम सुखारो बभूव राघव इशे श्रीमद् रामायणे वाल्मीक आदि काव्ये युद्धकांडे अष्टादशाधिकशतम सर्ग